गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 7 की वो शुरू की थी अवकलन के बारे में, और मैंने आपको उसके अंदर जो मुख्य मुख्य बातें थी वो बताई थी। फॉर्मूले किस तरह से बनाते हो आप, कैसे बनाते हो, वो सारी बातें आपने सीखी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे फॉर्मूले भी याद किए होंगे। अब देखिए, आगे हम जो अवकलन है वो करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि कोई जो फलन होता है उसमें कितने फलन है। तो जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है साइन एक्स, ये आपका एक ही फलन है। अगर मैं इसको लिख दूँ साइन लॉग एक्स, तो देखो ये भी एक ही फलन है, क्योंकि जो लॉग है वो इसका क्या है, एंगल है। इसी तरह मैं लिख दूँ जैसे मान लो साइन कॉस लॉग एक्स, तो ये भी आपका एक ही फलन है, क्योंकि ये साइन का पूरा कोण है, क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्या, कॉस का भी नहीं है, और इसको अगर आप छोड़ो तो कोस का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए आपका ये पूरा क्या माना जाएगा, एक ही फलन माना जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ साइन एक्स और लॉग एक्स, अभी आपके दो फलन हो गए, एक तो फलन आपका ये हो गया और एक फलन आपका ये, क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है और इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। तो सबसे पहले तो आपको इसी बात का पता रखना है कि जो आपको फलन दिया गया है वो कितने फलन है, एक है या दो है। अगर इस तरह का आता है तो वो एक ही फलन है, इसमें आपको एक का नियम लगाना है। तो ये भी एक ही फलन आपका, और ये भी क्या है, एक ही फलन है, लेकिन ये आपके दो फलन है। इसी तरह से मान लो मेरे दिया कोस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या है, एक ही फलन है, क्योंकि कोस का एंगल क्या है, ये है। इसी तरह मान लो मेरे दिया साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक ही फलन है, क्योंकि ये साइन का क्या हो गया, एंगल हो गया, क्योंकि इसके बिना साइन अकेले का अस्तित्व नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, आपका एक ही फलन माना जाएगा। अगर मैं ऐसे दूँ साइन एक्स और e की पावर x, तो ये आपके दो फलन हो गए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसी तरह मान लो मेरे पास सारा साइन एक्स, और मान लो एक बटा मान लो पाँच एक्स ही आ रहा है, तो ये आपके दो फलन हो गए, ये अलग फलन है और ये अलग फलन है। यानी जिस फलन का स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है तो वो आपके एक से अधिक फलन हो जाएंगे, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता वो आपको क्या माना जाएगा, एक ही फलन माना जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को वेरीफाई करना है कि प्रश्न में आपको कितने फलन दिए गए हैं, और उसी के बाद में आपको क्या करना है, जो अपना अवकलन है वो करना स्टार्ट करना है। इसी तरह आपको साथ में एक बात का ध्यान और देना है। अब जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है साइन लॉग एक्स आ रहा, मान लो ये, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फलन एक है आपका, क्योंकि साइन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लॉग को शामिल करोगे तभी साइन है, ये साइन थीटा आपका। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बाहरी फलन का, बाहरी फलन यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, ये थीटा मान लिया आपने पूरा, ये साइन थीटा, तो पहले आपको साइन थीटा के रूप में इसका अवकलन करना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपका लॉग एक्स है, इसका अवकलन करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स का अवकलन। तो आपको ध्यान रखना है, अवकलन करते समय क्या करना है, पहले सबसे बाहरी फलन का अवकलन, उसके बाद उसके आंतरिक का, और सबसे लास्ट में जो आंतरिक में आएगा उसका अवकलन आपको करना पड़ेगा। ये रूल कब लगाना है, जब आपके पास एक ही फलन आए तब आपको ये रूल अपना लगाना है। अगर मान लो ये ऐसे आ जाए साइन एक्स और ए लॉग एक्स, अब ये आपके दो फलन हो गए, ये आपका यू फलन हो गया, ये वी फलन हो गया, तो अब आपको इसमें यू डॉट वी का रूल है वो लगाना पड़ेगा। जैसे साइन तो आ गया पहले कॉन्स्टेंट, और ए लॉग का हो गया अवकलन, इसी तरह आपने लिख दिया प्लस लॉग आ गया कॉन्स्टेंट, और साइन का क्या हो गया, अवकलन। तो उसमें आपको इस तरह का ये रूल है वो फॉलो करना है। तो ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद देखो, अगर आपने इन फलनों का पता लगाना सीख लिया है तो बाकी आप प्रश्न देखिए। तो प्यारे बच्चों, अब 7.1 में आपसे क्या पूछा है, कुछ फलन दिए गए हैं और उनका आपको एक्स के सापेक्ष क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। अब जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, पहले प्रश्न में आ रहा है मेरे पास क्या, साइन एक्स स्क्वायर आर। तो इसमें करना क्या, आपको शुरुआत में पहले इस फलन को आपको वाई के बराबर मानना है, वाई बराबर आ रहा है मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपका एक ही फलन है, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के बिना साइन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि साइन का कोण यही है, तो ये आपका पूरा क्या है, एक ही फलन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको साइन थीटा मान के अवकलन करना है, उसके बाद में इस एक्स स्क्वायर का करना है, तो ये आपको अपना रूल इसमें लगाना है। तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप ये अवकलन करोगे तो वाई का तो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन ए डी एक्स, यहाँ पर आप लगा दो डी अपॉन डी एक्स, किसका कर रहे हो आप, साइन एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बहुत आ जाएगा सेम। अब सबसे पहले क्या करना, देखो ये मेरे पास साइन थीटा है, इसको आप थीटा मानने एक बार, ये थीटा की तरह इसमें व्यवहार कर रहा है, और साइन थीटा का होता है क्या, कोस थीटा, और थीटा का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर।
उसके बाद में आपको इस अंदर वाले का दोबारा करना है, किसका, एक्स स्क्वायर का कलर आपको फिर से क्या करना है, दोबारा करना है। तो अब आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो आ रहा है मेरे पास कोस एक्स स्क्वायर और इसका मेरे पास हो गया टू एक्स। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अब अगर आप इसको यहाँ छोड़ोगे तो आप इसको गलती से इसके एंगल में मान सकते हो, तो इसलिए आप इस टू एक्स को पहले लिख दो यहाँ पर टू एक्स और कोस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इस पहले प्रश्न का एक्स के सापेक्ष अवकलन आपने प्राप्त कर लिया। अब इसी तरह आप देखिए प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो में आ रहा हमारे पास क्या टेन टू एक्स प्लस थ्री आ रहा है। तो पहले आप मान लेंगे, माना वाई बराबर है मेरे पास टेन दो एक्स प्लस तीन। अब देखो पहले इस बात का पता लगाने की फलन कितने हैं, एक है या दो है, तो देखो यहाँ पर टेन, क्योंकि इसके बिना टेन का अस्तित्व नहीं है, तो ये आपका टेन थीटा क्या है, एक ही फलन है। अब आपको अपना इसमें वही रूल लगाना है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास मान आएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखो ये टेन थीटा है और टेन थीटा का अवकलन आपको टेन थीटा के हिसाब से करना है। चलो मैं इसको अगले स्टेप में करूँगा। तो देखो मेरे पास अब क्या आ गया, ये तो आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर टेन थीटा है तो टेन थीटा का आपने पता क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब थीटा का मान यही आएगा आपका सेम, कौन सा, दो एक्स प्लस तीन। अब ये तो हो गया बाहरी फलन का अवकलन। अब देखो आंतरिक फलन क्या आपका, ये टू एक्स प्लस थ्री आंतरिक है ना, अब इसका आपको क्या करना है, फिर से दोबारा से अवकलन है वो करना है, किसका, दो एक्स प्लस तीन का। अब देखो यहाँ तो आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सेक स्क्वायर दो एक्स प्लस तीन, और जब आप इसका दोबारा से करोगे तो देखो दो एक्स का करना है। मैंने आपको समझाया था कि जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करते हो, के एफ एक्स का करते हो, तो वहाँ पर क्या आपका कॉन्स्टेंट आता है और आपको किसका अवकलन करना होता है, केवल मात्र एफ एक्स का आपका अवकलन है वो करना होता है। तो यहाँ पर जब आप दो एक्स का करोगे तो आप दो को लिख दो बाहर, और आपको किसका अवकलन करना, ओनली एक्स का करना है। इसी तरह आप किसका करेंगे, तीन का करेंगे, और तीन का आप ये अलग कर रहे हो, क्योंकि जब एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है तो एफ एक्स का अलग अवकलन और जी एक्स का अलग से अवकलन। अब देखो आपके पास मान क्या देगा, जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है, ये तो आ रहा है मेरे पास सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री इंटू, अब देखो यहाँ पर दो तो कॉन्स्टेंट है पहले से, इसका तो होगा नहीं। अब एक्स का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है, एक होता है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अचर पद का अगर आप अवकलन करते हो तो क्या होता है, उसका जीरो होता है। अब आपके पास देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान कितना आ गया है, यह तो आ रहा है मेरे पास सेक स्क्वायर दो एक्स प्लस तीन इंटू में, इसका मान हो गया मेरे पास दो। अब इस दो को आप आगे लिए हो यहाँ पर, तो मान आपका आ गया दो सेक स्क्वायर दो एक्स प्लस तीन। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, प्रश्न संख्या जो दो है उसका आपने एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए प्रश्न संख्या तीन। तो देखो बच्चों अब आगे आ रहा है प्रश्न संख्या तीन, इसमें लिखा है साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो आपने पहले मान लिया, माना वाई बराबर आ रहा है मेरे पास साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले आपको इस बात का पता लगाना है कि यहाँ पर कितने फलन है, एक है या दो है। देखो साइन का इसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये साइन का एंगल ही हो गया, तो ये आपके पास क्या पूरा एक ही फलन है। तो आपको ऐसे लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो यहाँ तो लिखना आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो मेरे पास ये क्या है, थीटा है पूरा, मान लो ये साइन थीटा है, और साइन का क्या होता है अवकलन, कोस थीटा होता है। तो पहले तो आप एक बार यहाँ लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, साइन कोस एक्स स्क्वायर का कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए साइन थीटा है और साइन थीटा का हो गया कितना, कोस है थीटा। अब थीटा का मान क्या आएगा भाई, देखो साइन का ये थीटा है साथ में, तो मान आएगा कोस और ये थीटा आ गया उसका कोस थीटा। अब उसके बाद में क्या करना है, ये तो बाहरी फलन का हुआ है, अब उसके बाद में वो आंतरिक में क्या रही है, कोस थीटा फिर से आ रहा है कोस थीटा। अब इसको बुझाओ आप, अब आपके पास क्या है कोस थीटा, इसका आपको दोबारा से करना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, कोस एक्स स्क्वायर का। अब देखो फिर से आपका मान डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ रहा है मेरे पास कोस और कोस एक्स स्क्वायर, ये तो अलग से आ रहा है। अब देखो ये कोस थीटा है और कोस थीटा का दोबारा क्या होता है, माइनस में साइन है थीटा, और थीटा का मान क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो उसके बाद में आपने इसको कट किया तब क्या बच गया एक्स स्क्वायर, इसका आपको दोबारा से करना है किसका, एक्स स्क्वायर का।
यानी आपको बाहरी फलन से अवकलन करते हुए बिल्कुल अंदर वाले फलन की तरफ आपको जाना है। तो मेरे पास मान आ गया कोस और कोस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस को लगा दो आप इसके आगे पहले, और साइन एक्स स्क्वायर इंटू मेरे को इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। यानी आप एक्स की घात एन का लगाएंगे ना, एन एक्स की घात एन माइनस एक, तो ये आ गया दो एक्स की घात दो माइनस एक, यानी दो एक्स की घात एक, यानी दो एक्स आ गया। तो ये हो गया इसका अवकलन। अब देखो, अब इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, यानी जो मेरे पास डीवाई अपॉन डीएक्स है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पहले आप इन दोनों को आगे लिख दो यहाँ पर, यानी दो एक्स साइन एक्स स्क्वायर ये तो आ गया पहले से, और माइनस लगा दो आप यहाँ इसके आगे, और कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने प्रश्न संख्या जो तीन है उसका आपने अवकलन वो प्राप्त कर लिया है। अब आगे देखिए आप प्रश्न संख्या चार, चार नंबर देखो प्रश्न में आपके पास आ रहा है सेक एक्स माइनस एक और बटे मारा है सेक एक्स प्लस एक। तो सबसे पहले आप इसको मान लो, माना वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, सेक एक्स माइनस एक और सेक एक्स प्लस एक। अब देखो यहाँ पर आपका ऊपर वाला फलन बिल्कुल अलग आ रहा है और नीचे वाला फलन बिल्कुल अलग आ रहा है, इसको आप चाहो तो साइन को इसमें बदल के वैसे भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक तरफ ऊपर आ रहा है मेरे पास, एक नीचे आ रहा है, तो आपको इसमें यू बटा वी का रूल वो लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो आपके पास इधर तो आ जाएगा डीवाई अपॉन डीएक्स, और यहाँ लगा दोगे आप डीवाई अपॉन डीएक्स किसका, सेक एक्स माइनस एक और बटे मारा है सेक एक्स प्लस एक। अब देखो ये तो सेम है मेरे पास यहाँ पर। अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है कि जो डीवाई अपॉन डीएक्स यू बटा जो वी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आता है वी स्क्वायर फिर वी यू डैस माइनस यू वी डैस, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर वी का मान तो क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है वी का मान मेरे पास, यानी सेक एक्स प्लस एक का आ गया होल स्क्वायर। उसके बाद देखो ये वी खुद ही आ गया कॉन्स्टेंट, यानी सेक एक्स प्लस एक इंटू, अब करना आपको इसका अवकलन ऊपर वाले का। तो देखो मैं इस बार इसका सीधा डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं सेक का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, और माइनस सेक का क्या होता है जीरो। ये मैंने अंश का कर दिया अवकलन, यानी हर का स्क्वायर हर कॉन्स्टेंट और अंश का अवकलन माइनस। अब मेरे पास क्या आएगा, अंश तो आएगा कॉन्स्टेंट, और आपको करना है हर का अवकलन। तो हर का अवकलन करने का मतलब इसका करना आपको, तो सेक का फिर से क्या हो गया, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, और जो प्लस एक है उसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए आगे, जो मेरे पास डीवाई अपॉन डीएक्स है उसका मान आ गया मेरे पास बटे में तो आ रहा है सेक एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ वाले मान में देखो ये सेक एक्स टेन एक्स मैंने इसके आगे लिख दिया है, और इनटू मेरे पास क्या रहा है सेक एक्स प्लस एक आ रहा है, बीच में आएगा माइनस, और मैंने इसको भी पहले लिख दिया इसके आगे सेक एक्स टेन एक्स को, क्योंकि इसमें जीरो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रैकेट में आ रहा है मेरे पास आगे सेक एक्स माइनस एक। अब देखो इन दोनों पदों में से आपका ये बिल्कुल कॉमन आ रहा है बाहर, तो जब आप ऊपर कॉमन लेंगे क्या सेक एक्स टेन एक्स को बाहर कॉमन लेंगे, तो देखो अंदर मान क्या आएगा, यहाँ तो बचेगा सेक एक्स प्लस एक माइनस, और वहाँ पर भी क्या बचेगा सेक एक्स माइनस एक, और बट्टे वाले मान में आ रहा है सेक एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर ये आ रहा है। अब देखो डीवाई अपॉन डीएक्स का मान आगे सरल करने पर क्या रहेगा, ये बट्टे वाला मान तो रहेगा सेम सेक एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो मेरे पास आ रहा है सेक एक्स टेन एक्स तो आ रहा है सेम, और उसके बाद देखो इसमें क्या आ गया मेरे पास, देखो ये सेक एक्स देखो दोनों में क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है इनमें, और अब देखो ये एक हो गया प्लस का, तो ये जुड़ के कितने हो गए आपके दो हो गए। तो आपका मान क्या आ गया यहाँ पर डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर आ गया दो सेक एक्स टेन एक्स, और बटे में क्या रहा है सेक एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या प्राप्त करना था, इसका जो अवकलन वो आपको प्राप्त करना था। आगे आप चाहो तो इसको साइन कोस में बदल के वैसे और भी इसको सरल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना भी कर दोगे तो भी आपका ये क्या बिल्कुल राइट है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या चार। अब देखिए आप आगे एक प्रश्न और, तो प्यारे बच्चों अब आगे आपका है प्रश्न संख्या पाँच, इसमें आ रहा है रूट में वन प्लस एक्स माइनस रूट में वन माइनस एक्स बटे में आ रहा है रूट में वन प्लस एक्स और बटे में प्लस में रूट वन माइनस एक्स।
तो आपका देखो तरीका वही रहेगा, पहले माना वाई बराबर मेरे पास क्या रहा है, रूट में वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बटे में आ रहा है वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। अब देखिए इसको करने को तो आप सीधा इसमें यू बटा वी का रूल लगा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, पहले थोड़ा सवाल आपका मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हर का प्रमेयकरण कर सकते हो आप। हर का प्रमेयकरण करने का मतलब क्या होगा कि जो अंश और हर है उसको आप रूट वन प्लस एक्स और माइनस रूट वन माइनस एक्स से गुणा कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, यानी अंश व हर को रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स से गुणा करने पर, यानी आप इसमें हर का प्रमेयकरण कर रहे हो, जिससे मेरे पास मानेगा रूट में वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बटे में आ रहा है रूट में वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू में रूट में वन प्लस एक्स और माइनस वन माइनस एक्स बटे में आ रहा है रूट में वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। अब देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, ऊपर वाला जो मान है उसको देखो आपके दोनों समान हो गए, ये तो क्या बन गया मेरे पास, रूट में वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स है उसका होल स्क्वायर बन गया है। और नीचे वाला मान मेरे पास देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि रूट हट गया। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये दोनों जो एक है ना वो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए ये, और वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया, बटे वाला मान तो आपका आ गया एक्स प्लस एक्स आ गया क्योंकि प्लस का एक्स हो गया। अब देखो ऊपर वाले में आपको a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर करना है, तो पहले आ रहा है मेरे पास ए स्क्वायर, फिर बाद में आ रहा है मेरे पास बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आएगा माइनस का 2ab, तो 2ab का मतलब रूट में वन प्लस एक्स और रूट में वन माइनस एक्स। अब जो y का मान है वो क्या आ गया मेरे पास, बटे वाले मान में तो आ रहा है 2x। अब देखो ऊपर वाले मान में देखिए आप पास ये x देखो दोनों क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है ये, और मेरे पास देखो ये जुड़ के आगे दो माइनस दो रूट में, अब देखो रूट में अगर दो संख्या समान गुणा में तो आप उनको एक साथ गुणा में ले सकते हो, तो ये मान आपका बन जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दो को आप ऊपर नीचे कॉमन लेके इसमें काट भी सकते हो, तो जैसे आपने दो कॉमन लिया तो यहाँ तो आएगा एक माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर और बटे मेरे पास क्या रहा है दो एक्स, अब दो तो कैसे कट। अब देखो मेरे पास जो वाई का मान है वो क्या आ गया मेरे पास, एक माइनस रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या रहा है एक्स आ रहा है। अब आपको क्या करना, अपना वही रूल करना है, अभी तक आपने अवकलन नहीं किया है, एक बार आपने बस केवल इसको सरल किया है, अवकलन काम आप अब शुरू करोगे। अब आप लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे आप अवकलन करोगे तो देखो आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास दो चर हो गए, ऊपर वाला फलन आपका अलग हो गया और बट्टे वाला फलन आपका अलग, तो इसमें आप यू बट्टा वी का रूल आप लगाएंगे। तो मेरे पास आ रहा है डीवाई पॉइंट डीएक्स बराबर डीवाई पॉइंट डीएक्स एक माइनस रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या रहा है एक्स, तो मैं इसको मानूंगा यू ऊपर वाले को, नीचे वाले को मैं वी मानूंगा। तो देखो मेरे पास क्या आएगा डीवाई पॉइंट डीएक्स बराबर आ गया, इसमें आप देखो यू बट्टा वी का रूल लगा रहे वही, तो पहले मेरे पास आ रहा है वी स्क्वायर, फिर आ गया वी कॉन्स्टेंट, अब यू का अवकलन करना आपको, तो एक का तो हो गया जीरो माइनस। अब देखिए ध्यान से आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन है वो अलग से करना पड़ेगा, तो ध्यान देना पहले आपको इसमें देखो बारी पद पे क्या आ रही है, ये पूरा मान रूट एक्स है, ये पूरा रूट एक्स है ना, यानी इसको आप एक बार एक्स की तरह व्यवहार में ले रहे हो, और इसका क्या होता है एक बटा दो रूट एक्स मैंने आपको लिखा रखा है। कैसे होता है देखो एक्स की घात एक बटा दो होगी रूट का मतलब, और एक बटा दो का मतलब क्या हो जाएगा एन एक्स की घात एन माइनस वन, यानी एक बटा दो एक्स की घात माइनस एक बटा दो एक बटा दो। अब एक्स की घात माइनस एक बटा दो का मतलब जैसे आप इसको बटे मिलाओगे तो हो जाएगा रूट एक्स, तो ये आ गया मेरे पास एक बटा दो रूट एक्स। तो रूट एक्स का वजन क्या होता है, ये होता है मैंने आपको पहले से बता रखा है। अब देखो आपको इसका करना, तो एक का तो हो गया जीरो माइनस आ गया, अब इस रूट एक्स का करना पहले आपको, क्योंकि पहले बारी पसंद रूट एक्स है, तो इसका हो गया एक बटा दो रूट एक्स, जो एक्स का मान ये आपका ये इसके हिसाब से रूट एक्स का हो गया एक बटा दो रूट एक्स, एक बटा दो रूट एक्स का मान क्या आपका ये है। अब देखो उसके बाद में इसके आंतरिक फलन का दोबारा करना है ना, तो अब करना पड़ेगा आपको इसका, एक का तो हो गया वापस जीरो
माइनस इसका हो गया आपका कितना 2x, ये आपने इसके आंतरिक फलन का कर दिया। अभी तक आपने क्या प्राप्त किया है, यानी आपने u इंटू v इंटू आपने u का भी अवकलन वो प्राप्त किया है। ये मेरे पास पहले हो गया v स्क्वायर, फिर v कॉन्स्टेंट, अब u के अवकलन में एक का जीरो हो गया माइनस, अब पहले रूट का हो गया एक बटा दो रूट एक्स, अब अंदर वाले का दोबारा किया तो एक का जीरो हो गया, इसका हो गया माइनस में 2x माइनस, अब लगाना आपको पीछे माइनस फॉर्मूले के अनुसार। अब मेरे पास क्या आएगा, यू तो आएगा कॉन्स्टेंट एक माइनस रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब वी का अवकलन क्या हो गया एक हो गया। अब देखो आप इसको आगे सल करने पर बटे वाला मान तो आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ जो आपका एक्स है वो तो गुणा में है ही पहले से। अब देखो ये आपका बार अंदर वाला कितना हो गया है, ये जीरो है ही माइनस, अब देखो ये प्लस हो गया यहाँ पर, इसको आप कर देंगे दो एक्स बटा दो रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का मान आ गया आपका ये, और माइनस यहाँ वाला मान आ रहा है मेरे पास एक माइनस रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जब आपका एक्स इससे गुणा होगा तो आपका मान क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला मान तो आ रहा है बिल्कुल सेम, अब यहाँ पर आप इसको इससे काट सकते हो, और जब आप इसको इस संख्या से गुणा करवाएंगे तो आपका मान क्या देगा एक्स स्क्वायर बटा रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान आ गया आपका, और माइनस कितना रहा है एक माइनस रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान आपका अलग से, अब इसके बटे में आप क्या मान लेंगे एक मान लेंगे। अब देखो ये तो आ रहा मेरे पास सेम एक बार, यहाँ पर भी ऊपर वाले में आपने लघुतम लिया तो कितना आया रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया लघुतम। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो आ गया सेम एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इस पूरे के बटे में आपने एक मान रखा है तो ये पूरा जो है वो इसके साथ गुणा होगा, यानी रूट एक माइनस दो एक्स स्क्वायर है वो किसके साथ गुणा हो रहा है एक माइनस रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है। अब देखो आप आगे, अब इसके बटे में अगर आप एक मानते हो तो ये मान आपका एक ऊपर जाएगा, ये दोनों आपके पास पास बटे में आ गए, यानी बटे वाला मान हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाला मान आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको अंदर दोनों से गुणा करोगे तो एक बार तो मान आपका आएगा रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार आपका मान हो गया प्लस में और एक माइनस एक्स स्क्वायर, जो रूट हट गया इसका जब आप समान संख्या को समान रूट से गुणा करोगे तो। उसके बाद देखो अब ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका देखो दोनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं कट हो रहे हैं ये, अब मेरे पास ऊपर वाला मान क्या आ गया एक माइनस रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे मारा है एक्स स्क्वायर रूट में एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो अवकलन है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो देखो प्यारे बच्चों आगे आता है प्रश्न संख्या छः, छः में क्या लिखा है साइन एक्स डिग्री का आपको अवकलन है वो प्राप्त करना है। तो पहले आप मान लेंगे माना वाई बराबर साइन एक्स डिग्री, अब देखिए ध्यान से जो आपने साइन एक्स का जो अवकलन पढ़ रखा है ना, यानी साइन एक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ पर एक बात नोट करनी है आपको, ये जो कोण है वो क्या होता है आपका रेडियन होता है, याद रखना ये एक्स क्या है रेडियन, तभी इसका क्या होता है कॉस एक्स, जबकि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो किस में आ रहा है डिग्री में आ रहा है। तो पहले आप जब तक इसको रेडियन नहीं बनाओगे तब तक आप इसका सीधा अवकलन नहीं कर सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको इसका रेडियन मान वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो रेडियन मान कैसे बदलते हैं, ये आपने 11वीं क्लास में सीख रखा है, तो उसके हिसाब से पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसको रेडियन मान में बदलना पड़ेगा। तो आप देखोगे साइन एक्स इंटू पाई बटा 180, जब आप इस डिग्री को पाई बटा 180 गुणा करते हैं तो आपका मान क्या जाता है इसमें रेडियन मान है वो आपका आ जाता है। अभी इसका एक कोण ही है, यानी वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया साइन पाई एक्स बटा 180, अब आपको लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको ध्यान देना यहाँ तो आएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो ये मेरे पास साइन थीटा है, इसको एक बार आपने थीटा मान लिया पूरा, और साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस थीटा का मान वापस क्या आएगा पाई एक्स बटा 180। अब ये तो बाहरी फलन का हो गया ना, अब आपको आंतरिक फलन का देखो दोबारा करना है, दोबारा किसका करना आपको इस पाई एक्स बटा 180 का आपको दोबारा से अवकलन है वो करना है। तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर ये कोस पाई एक्स बटा 180 द्वारा सेम इंटू, अब देखो इसमें आपको क्या करना है ये अचर पद है उसका कभी अवकलन होता नहीं तो आ गया बाहर सीधा, और आपको अब किसका करना है मात्र एक्स का जो अवकलन वो आपको प्राप्त यहाँ पर करना है। तो माना आपका आ गया कोस पाई एक्स बटा 180 और इंटू मारा है पाई बटा 180
और एक्स का क्या हो जाएगा एक। अब आपका मान आ गया पाई बटा 180 और कॉस पाई एक्स बटा 180। अब देखो इसको आप वापस किस फॉर्म में लिख सकते हो, अब इसको वापस चाहो तो आप डिग्री बना सकते हो यहाँ पर, और डिग्री बनाने का मतलब ये पाई बटा 180 आ जाएगा सेम, और इसको आप कॉस एक्स डिग्री मान सकते हो। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, प्रश्न संख्या 6 है उसका आपने अवकलन वो कर लिया। अब देखो बच्चों ऐसा का ऐसा प्रश्न आपका एक 8 का प्रश्न भी है जो आपको खुद को करना है। अब उसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 7, देखो प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है, देखो मैं आपको 7 का यही करवा दूँ जरी, इसको देखो मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो देखो 7 नंबर प्रश्न में क्या करना आपको वो आप यहाँ देख लो। तो देखो प्रश्न संख्या 7 में आपके पास क्या रहा है, पहले मान लो आप माना वाई बराबर है मेरे पास लॉग रूट में 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स, ये मेरे पास कोई फलन आ रहा है ठीक है ना। अब आपको इसमें करना क्या है, इसका अवकलन है वो करना है। तो देखो इसमें आपके कई तरीके करने के, एक तो आप इसका डायरेक्ट सीधा भी कर सकते हो, या इसमें आप इसे रूट को पहले थोड़ा अलग सल कर लो, यानी कोस का वह फॉर्मूला लगाओगे जिससे आपका ये एक कट जाए, उस रूल से भी आप इसको कर सकते हो, और अगर आप इसको सीधा करो तो सीधा कर लो, दोनों तरीके से आप कोई भी तरीका लगा लो। मैं देखो इसको एक बार यहाँ पर सीधे कर रहा हूँ, यानी मैंने लिखा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा डी वाई पॉन डी एक्स। अब देखिए ये आपका मान क्या है लॉग एक्स, क्योंकि इसके बिना लॉग का अस्तित्व नहीं है, तो ये लॉग का क्या हो गया पूरा फलन हो गया ये लॉग का। अब इसलिए लॉग एक्स का तो अवकलन हो क्या होता है एक बटा एक्स होता है, तो आप लिखोगे एक बटा, और एक्स का मान मेरे पास क्या देगा एक माइनस कोस एक्स बटा एक प्लस कोस एक्स, ये जो लॉग एक्स है लॉग एक्स का हो गया एक बटा एक्स, और एक्स का मान आ गया ये। अब उसके बाद देखो अब आप लोगों को आपने छोड़ा तो अब आपका भारी फलन क्या रूट आ रहा है, और रूट एक्स का क्या होता है मैंने बता रखा आपको एक बटा दो रूट एक्स, तब आप इस रूट का करोगे क्या आएगा एक बटा दो। अब रूट एक्स का मान वापस क्या आएगा मेरे पास, अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स का मान वापस वही आ गया एक माइनस कोस एक्स बटे में एक प्लस कोस एक्स, ये आपने किसका कर लिया अभी रूट का वो आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखो अब ये तो आपने पहले कर लिया लॉग का, फिर आपने रूट का कर लिया, अब देखो अंदर आपका आ रहा है ये यू बटा वे का रूल वाला, तो इसका अब आपको अलग से अवकलन वो करना है किसका एक माइनस कोस एक्स बटा एक प्लस कोस एक्स, अब इसमें आपको यू बटा वे का रूल वो लगाना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, सबसे पहले भारी फलन का, उसके बाद में उसके आगे वाले का, और सबसे अंत में होगा जो लास्ट में आएगा उस फलन का अवकलन। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है, इसमें देखो एक बटा दो यहाँ पर सेम है, अब देखो ये दोनों जो आपस में गुणा में है तो इनको आप बिना रूट के लिख सकते हो ऐसे, यानी एक माइनस कोस एक्स बटा एक प्लस कोस एक्स, ये संख्या आपकी बिना रूट के आ गई है। अब इसमें आपको यू बटा वे का अपना जो रूल है वो आपको लगाना है, तो मेरे पास पहले क्या रहा है वी स्क्वायर आ रहा है, यानी वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर वन प्लस कोस एक्स आ गया कॉन्स्टेंट वापस, क्योंकि आप यू बटा वे का रूल कर रहे हो आप, तो वी स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट और यू का अवकलन क्या हो गया एक का जीरो हो गया, माइनस कोस का होता है माइनस साइन, तो क्या बन गया प्लस में साइन एक्स। उसके बाद देखो माइनस, अब मेरे पास आएगा वन माइनस कोस एक्स द्वारा कॉन्स्टेंट, अब देखिए वन प्लस कोस एक्स का क्या होता है तो वन का तो हो गया जीरो, और माइनस क्योंकि कोस एक्स का क्या होता है माइनस से साइन एक्स होता है, तो इसका हो गया मेरे पास माइनस में साइन एक्स। अब इसको आप देखो आगे थोड़ा सरल कर लो अभी, तो देखो डी अपॉन डी एक्स का मान क्या जाएगा मेरे पास, अब देखो ये जो बट्टे वाला मान आपका ये ऊपर चला जाएगा, यानी वन प्लस कोस एक्स और बटे मारा दो इंटू वन माइनस कोस एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है बटे वाले मान में तो आ रहा वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो मान क्या हो गया आपके पास वन प्लस कोस एक्स इंटू मारा है साइन एक्स। उसके बाद देखो ये देखो माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस का हो गया प्लस का साइन एक्स, और किसके इंटू में आ गया ये वन माइनस कोस एक्स के इंटू में आ गया है। अब देखो ये जो आपका ऊपर वाला ब्रैकेट है ये देखो एक इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ वाले से, तो मेरे पास देखो बटे में तो क्या आ गया मतलब दो इंटू एक माइनस कोस एक्स और एक प्लस कोस एक्स, ये तो आ गया मेरे पास बटे वाला मान। अब देखो ऊपर वाले मान में क्या आपके पास है इन दोनों में देखो आपका ये साइन एक्स बाहर वो कॉमन आ सकता है, तो जब आपने साइन एक्स को कॉमन लिया बाहर तो अंदर बचेगा वन प्लस कोस एक्स और प्लस वन माइनस कोस एक्स,
उसके बाद देखिए अब ये कोस से कोस आपका हो रहा है कैंसिल, तो देखो ऊपर वाला मान मेरे पास क्या आ गया साइन एक्स इंटू में, अब ये मान आपके जुड़ के हो गए दो, और बटे में आ रहा है मेरे पास दो इंटू, ये आप वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इसको बना लोगे, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अब दो से दो हो रहा है कट, अब मेरे पास क्या आ गया यानी जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है वो बराबर आ गया मेरे पास ऊपर द्वारा साइन एक्स, और अब देखो बट्टे वाला मान मेरे पास क्या हो गया, आप जानते हैं कि वन माइनस कोस का रेस होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप कर दोगे साइन स्क्वायर एक्स, अब एक साइन आप इसे काट दोगे भी, और मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया एक बटा साइन एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मेरे पास क्या आ गया कोस एक एक्स, तो इस तरह से आप इसका जो आंकलन है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो था इसका आपका डायरेक्ट तरीका सीधा करने का। अगर आप इसको एक दूसरा तरीके से करना चाहें वो देखो इसका सेकेंड मेथड ये हो सकता है, अगर आप इसमें लगाना चाहें तो पहले आप मानेंगे y बराबर log रूट में वन माइनस कोस एक्स और वन प्लस कोस एक्स, तो y बराबर आएगा मेरे पास log, अब इसमें आपको कोस का वह है फॉर्मूला लगा से आपका एक कट जाए वो, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये तो y2, और नीचे वाला मान आएगा मेरे पास वन प्लस टू कोस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस एक, अब इससे आपका ये एक से एक कट रहा है, एक से एक कट रहा है, ये प्लस हो गया दो से दो कट रहा है, और वाई बराबर मेरे पास क्या आ गया लोग, अब रूट में आ गया मेरे पास टेन स्क्वायर एक्स वाई टू, अब वाई का मान क्या देगा आपका लोग, और बाहर आके मान क्या बन जाएगा आपका टेन एक्स वाई टू, जो स्क्वायर है तो इसके बारह के क्या हो गया आपका माने टेन एक्स वाई टू हो गया। अब इसका आप दोबारा से अपन आकलन वो कर सकते हो, यानी एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो मान आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर, अब ये लॉग एक्स है, पहले लॉग एक्स का हो गया एक बटा एक्स हो गया, ठीक है। अब टेन एक्स का आपको दोबारा से करना है, और टेन का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, एक्स वाई टू का दोबारा से करना है तो क्या देगा एक बटा दो, पहले आपने लॉग का किया एक बटा एक्स, फिर टेन का क्या सेक स्क्वायर थीटा, अब एक्स वाई टू का किया एक बटा दो। अब इसको देखो जब आप आगे सल करोगे तो देखो ऊपर आपका जो सेक स्क्वायर एक्स वाई टू है उसको आप क्या लिख दोगे एक बटा कोस स्क्वायर एक्स वाई टू आप इसको लिख दोगे, और बटे वाला मान मेरे पास क्या रहा है साइन एक्स वाई टू बटा में आ रहा है कोस एक्स वाई टू, और गुणा में आ रहा है आप एक बटा दो। तो इस तरह से जब आप इसको आगे सल करोगे तो देखिए जो आपका बटे वाला एक कोस है वो इसे कट जाएगा सीधा, अब देखो सारा का सारा मान आपका कहाँ रह जाएगा नीचे रह जाएगा, और जो आपका डी वाई पॉइंट डी एक्स है उसका मान क्या देगा मेरे पास यानी एक के बटे में आ गया कोस एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू, और साथ में यहाँ पर आपका दो भी आ गया, तो इसको आप अब क्या बना दोगे डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर आ गया मेरे पास कितना एक बटा साइन एक्स, क्योंकि साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन गया है, और जब ये एक बटा साइन एक्स है तो इसको आप ऊपर भेजोगे तो आपका मान क्या देगा कोस एक एक्स। तो इस तरह से आप इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हो, बाकी दोनों में से आपको एक कोई भी एक तरीका लगाना है, चाहे आप सेकंड वाला लगा लेना या चाहे आप पहले वाला लगा लेना, पहले वाला सीधा करने का तरीका है, दूसरे वाला आपका थोड़ा सा इसको सरलीकरण करने के बाद करने का तरीका है। तो प्यारे बच्चों आज हम इतने प्रश्न पढ़ेंगे, अब जो बाकी आगे प्रश्न बचे हैं आपके देखो कुल इसमें 15 प्रश्न है, तो आगे आपको जितने प्रश्न आए उतने आपको ट्राई करने हैं, जो आठवां प्रश्न है वो बिल्कुल छः के समान ही है, और जो आपका आगे नवा प्रश्न है वो बिल्कुल इसके समान है सातवें के समान, तो आठवां और नौवां दोनों प्रश्न आपको करना है, तब तक के लिए आप धन्यवाद।